actors, as people who are a part of the arts, I think जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन होती है वो अलग अलग रूप होते हैं उसके. पेंटिंग इज़ वन ऑफ देम एंड आई पेंट माई सेल्फ. रेशमा श्वेता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सालों से मैं उन्हें जानती हूँ और वो चाहते थे कि एक नई शाम का हम लोग उद्घाटन करें. इट इज़ द बिगिनिंग आई होप ऑफ मैनी सच इवनिंग्स वेयर वी इंट्रोड्यूस आर्ट पेंटिंग्स टू द आर्टिस्टिक फ्रटर्निटी, पीपल फ्रॉम सिनेमा हु मे बी बिकॉज हमारा काम इस तरह होता है, हम इतने जुड़ जाते हैं, इतने खो जाते हैं, समा जाते हैं अपने काम में कि जो दूसरे आर्ट फॉर्म्स होते हैं उन्हें अप्रिशिएट करने का टाइम नहीं मिलता. आज मेरी कोशिश यही रही है कि इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पर मैं इन्वाइट करूँ, उन्हें एक मौका दूँ पेंटिंग्स को अप्रिशिएट करने का. पेंटिंग और सिनेमा में फ़र्क ये है कि पेंटिंग आई थिंक एक पेंटर अकेला बैठ के करता है और सिनेमा में डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर अकेला फिल्म नहीं बनाता है, उसके साथ एक टीम होती है. आई थिंक फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड पेंटिंग इज सच अ सोलो ऑक्यूपेशन. सो आई एक्चुअली रेट पेंटिंग एज अ समथिंग विच कम्स फ्रॉम अ सोलो माइंड एंड it's not completely collaborative. I think it's a great art. Hum sab ghar sawarte hain. We all enjoy art in our own homes and I think it's a wonderful opportunity for them to come and explore a new medium. And I paint myself, so this is in some ways a warm up to my exhibition that I hopefully want to have sometime next year. आर्ट डायरेक्शन ऑफकोर्स काफ़ी मायने रखता है और मैं मुगले आज़म जब भी देखता हूँ मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल फिल्मों में देखा जाए तो आर्ट डायरेक्शन ऑफकोर्स हर फिल्म हर किसी भी फिल्म में होता है, पर हिस्टोरिकल फिल्मों को देखा जाए तो जो काम उस फिल्म में हुआ था हम आज तक शेयर नहीं कर पाए. आई थिंक स्टाइल is a very simple thing. It is a reflection of your personality and your character and who you are, which is why style is distinct to your individuality. And if I'm being applauded for that, it's wonderful. And I'm very, very happy that the audiences have voted for me because उन्हीं के क्या कहते हैं जजमेंट से हम बनते हैं बिगड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी चलती है. सो इट्स अ नाइस मोमेंट एंड इट्स अ ग्रेट वे टू एंड दिस ईयर.